मैं तो सबको विनर देख रहा हूँ, सबके बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग जो स्टंट्स हमने किए शो पे वो इतने मुश्किल थे कि हमने अपना डर ओवरकम किया, एंड जब कोई अपना डर ओवरकम करे तो वो अपने हिसाब से विनर होता है। सभी विनर जो भी आज जहाँ से खड़े हैं सही सलामत, वो सभी जर्नी कितनी यादगार रही है अगर आपके आई थिंक मेरे लिए काफ़ी यादगार रही है। पर्सनली मेरे काफ़ी ग्रोथ हुआ है, बिकॉज पहला फिजिकली रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना कितना इंपॉर्टेंट है वो शो में मैंने अपने हर यार के शो के बाद उनको मैंने बोला भाई आपको हुई है दिव्या के जीतने पर, और साथ ही में किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने इस जीत को? 42 डेज का इंतजार मैंने किया था, घंटा लुक भाई, अगर ट्रॉफी नहीं भी आती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 42 डेज का जो जर्नी था बहुत ब्यूटीफुल थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली चंदा ने प्यार दिया। जैसी मैं काफ़ी खुश था, मैं अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल इन ऑल, क्योंकि वो घर आ चुकी है, एंड थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली थी, रन भाई भी थे, सो वी ऑल सेलिब्रेटेड रियली वेल, वी ऑल वर रियली हैप्पी, एंड आई जस्ट होप कि जनता उसको और फेस्ट प्यार देते हैं। और आप नजर आएंगे बिग बॉस सिटी में, तो कितने एक्सपेक्टेशन हम आपसे रख सकते हैं कि दिव्या के बाद हम आपको देखें बिग बॉस हाउस के अंदर? तो एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं आ रहा, मैं शो पे नहीं आ रहा, ये खबरें हमको नहीं आई। 45 डेज की जुदाई सही है, और अगर ये घर के अंदर जाती है तो काफ़ी लंबी जुदाई, बहुत लंबी जुदाई यार, ये तो आई थिंक सहन नहीं होगी, बहुत मुश्किल है ये। पर फॉर नाउ आई डोंट नो अबाउट दिव्या, पर मैं तो डेफिनेटली नहीं जा रहा, क्योंकि वो शो के लिए मैं बनाई नहीं, स्टंट करा रहा हूँ, कीड़े फेंगे वो सिंगलिंग, वो घर में कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाऊँ। ओके, लास्टली यू नो अर्जुन और दिव्या में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन हो रहा है, और ऑडियंस कह रही है कि उन्हीं के बीच में से, हालांकि आप भी काफ़ी टफेस्ट कॉम्पिटिटर रहे हैं और शो में काफ़ी, तो इस चीज़ के बारे में क्या है? अर्जुन भाई ने मेरे करीब पसंद किया, इंजीनियर काफ़ी अच्छा है, तो कोई भी जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो पूछ सकती जो।